तो क्रूड के इतने बड़े मूव पर बहुत सारे केमिकल्स के भी स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि इस क्रूड की तेजी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप को। यूरोप इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएगा एंड बाई डिफॉल्ट इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल के लिए हम एफएनओ पे लौटते हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो एफएनओ में नहीं है, वो ब्लास्ट करते ही जा रहा है। मैं आता हूं रिलायंस के स्टॉक पे। ये देखिए रिलायंस की चार्ट को, इसमें कोई अनहोनी तेजी बन जाए तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। रिलायंस में देखिए बाई का ट्रिगर आपसे बात करते करते आ गया। ये आवरली चार्ट पे आप देखो ये ब्लू लाइन टूट गई है। तो रिलायंस को अब यहां से जो भी 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जिसकी जैसी पोजीशन साइज स्टॉप लॉस लेके एक तेजी का जो ट्रेड बनता है कि इमीडिएट गोल है आप रिलायंस को 2540 तक की तेजी के लिए खेलें। और ये 2540 को जहां क्रॉस कर गया, चाहे इसी राउंड में या अगर कोई ब्रॉड मार्केट करेक्शन आया और रिलायंस ने वापस एक आखिरी मौका 2400 का दिया तो दिया, वो नहीं आया और सीधा 2540 को क्रॉस कर गया, तो मुझे रिलायंस का भाव 2750 और इवेंचुअली 2295 होता लगता है। तो 2400 दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा, 2950 तक की रिलायंस की चाल बनती है अगले 3 महीने में। तो ये हो गया रिलायंस। अब आपके हिंदुस्तान लीवर की शॉर्ट टर्म चार्ट में डबल बॉटम बन चुका है, 2950 की तेजी हमें वहां भी लगती है। आपके ब्रिटानिया और नेस्ले भी एक बार न्यू हाई पे जाएंगे, ऐसी चार्ट लगती है। टाटा कंज्यूमर का ब्लास्ट कंटिन्यूड है, वो चलता जाएगा।